अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहीन और आप देख रहे हैं फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं काले चने का पुलाव, जो बहुत ही मज़े का बनता है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए देखते हैं ये काले चने का पुलाव कैसे बनाया जाता है और इसे बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए। ये जो चावल है वो 500 ग्राम है, जिसको मैंने आधा घंटा पहले अच्छी तरह से धोकर रख लिया है। 300 ग्राम मैंने काले चने लिए हैं, जिसको मैंने प्रेशर कुकर में अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लिया है। 4 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं मैंने बारीक कटे हुए। 2 बड़ी साइज की प्याज लेंगे हम चॉप की हुई। 2 टेबलस्पून भर के चाहिए हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ग्रीन चिली पेस्ट चाहिए हमें 1 टेबलस्पून। कटा हुआ हरा धनिया चाहिए हमें, और यहाँ पर मैंने कुछ साबित मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने लिया है तेज पत्ता और एक बादियान, 2 हरी इलायची, दालचीनी की स्टिक, 4 लौंग और 6 से 7 मैंने यहाँ पर काली मिर्च ली है, और 1/2 टीस्पून मैंने शाहजीरा लिया है। और पाउडर मसालों में हमें चाहिए धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक चाहिए 1.5 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें, रेड चिली पाउडर 2 टेबलस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और लेमन जूस चाहिए हमें 4 टेबलस्पून। तो ये सारी चीज़ें चाहिए हमें पुलाव बनाने के लिए। तो चलिए हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ऑयल डाल लेंगे हम बर्तन में। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें साबित मसाले ऐड कर देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है तो ये साबित मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन या लाइट ब्राउन नहीं करना है, इसको हमें बस सॉफ्ट कर लेना है। तो देखिए अब ये जो प्याज है वो सॉफ्ट हो चुकी है, तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे थोड़ा भून लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो भुन चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली पेस्ट और इसे भी हम हल्का सा भुनेंगे। तो ये दोनों चीजें अच्छे से भुनने के बाद हम इसमें कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर। इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसकी लीड बंद करेंगे और लो फ्लेम पर हम इसे कुछ देर पकाएंगे। जब तक कि ये टमाटर जो है वो सॉफ्ट नहीं हो जाते, तब तक हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। कुछ देर बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए जो टमाटर है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, हमने इसे लो फ्लेम पर ही अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चने, जिसको हमने पहले ही अच्छी तरह से बॉईल करके सॉफ्ट कर लिया था। तो ये सारे चने मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चने ऐड करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे, ताकि सारे मसाले का फ्लेवर चने में अच्छी तरह से आ सके। चने को 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम इसमें चावल ऐड करेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो ये सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है, तो हम इसमें पानी ऐड करते हैं। चावल को मैंने पहले ग्लास से मेजर कर लिया था, ये 2 ग्लास चावल है, तो उसी हिसाब से हम इसमें 4 ग्लास के करीब पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। जब तक कि इसका जो है वो सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता, तब तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे और बीच बीच में हम इसे चेक भी करते रहेंगे। इसे कुक करते हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं, तो देखिए इसका जो पानी है वो सारा ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इस पर ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे लो फ्लेम पर दम पर रखेंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट बाद ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अगर आपको मेरी ये चना पुलाव की रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।